मम्मी क्या हो गया, मैं ला रही थी ना। बात सुनो मेरी, किसका दुपट्टा जला है? क्या हो गया है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। आशिक, तुम्हारा तुम्हारा दुपट्टा जला है? देखो मुझसे कोई झूठ मत बोलना। अम्मी मैं किचन में गई, माया वहां काम कर रही थी, बस बेध्यानी से उससे। माया ने इतनी जल्दी? अरे अभी तो शादी को 2 दिन भी नहीं हुए, अपना असली रंग दिखाने लगी वो। नहीं अम्मी, उसने कुछ नहीं किया, ये बस इत्तेफाक था। नहीं नबीली, दुल्हन के साथ ऐसा हो ना, कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये माया ने ही किया है। अम्मी फजूल के खौफ अपने दिल से निकाल दे, माया ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरा उस पे शक करना गुनाह है। अम्मी फजूल के खौफ अपने दिल से निकाल दे, माया ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरा उस पे शक करना गुनाह है। हेलो भाई, मैं तो समझा था बेटी को देख के खुश हो जाओगी तुम, लेकिन तुम तो सोचो में गुम पड़ी, नींद नहीं आ रही तुम्हें? अब ये मत कह देना कि खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। आप सो जाए ना जाकर। मैं तो सो ही जाऊंगा, लेकिन पता तो चले कि मसला क्या है। बहुत अजीब बात हुई है। क्या? लेकिन आप मुझसे वादा करेंगे इस बात का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे? देखो तुम परेशान कर रही हो मुझे। आशी आज किचन में गई तो उसके दुपट्टे में आग लग गई। अल्लाह, तो तुमने किचन में भेजा क्यों उसे? मेरे किचन में नहीं, आपा के किचन में। आशी ने बताया तुम्हें? नहीं, वो मोमिन से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया, फिर बाद में आशी ने इस बात की तस्दीक भी की। किसने की हरकत? आशी कह रही थी माया से बेध्यानी में हो गई। देख लिया, मैंने कहता था कि ये माया की मक्कारियों और चालाकियों को समझ नहीं रहे। आशी कही थी माया पे शक करना गुनाह है उसके लिए। अरे बेकार की बातें सब, अब हम आशी की किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, पहले भी उसकी बातों पे यकीन करके कितना नुकसान उठा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ हाँ, बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो इंतजार करो कोई बड़ा नुकसान हो जाए। बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आशी से खुद बात करूंगा।